नमस्कार। एक हाथ में वीणा है और दूसरे हाथ में भी वाद्य यंत्र धारण करके सदैव नारायण नारायण बोलकर भगवान विष्णु का स्मरण करने वाले देवर्षि नारद की जयंती की आप सभी को अनेकों शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में इस जयंती के महत्व के बारे में जानेंगे, साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि इस दिन आप क्या करें और क्या ना करें। हिंदू धर्म में देवर्षि नारद को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। नारद जी को निरंतर चलायमान और भ्रमणशील होने का वरदान मिला है, इसलिए वे हमेशा तीनों लोकों में भ्रमण कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। नारद जी को संचारकर्ता और सृष्टि का पहला पत्रकार भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। एक प्राकंड विद्वान होने के कारण उन्हें देवताओं के साथ साथ असुरों के बीच भी सम्मानीय माना गया है। देवताओं के दूत देवर्षि नारद मुनि से समय समय पर देवता परामर्श लिया करते थे। हिंदू पंचांग के अनुसार नारद जी की जयंती ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। इस साल यह तिथि 17 मई मंगलवार को है। आपको बता दें कि यह तिथि 16 मई 2022 को सुबह 9:43 पर आरंभ होगी और इसकी समाप्ति 17 मई 2022 को सुबह 6:25 पर होगी। सभी भक्तों के बीच भी इस दिवस को बेहद महत्वपूर्ण माना गया है। श्रीमद् भगवद गीता में 10वें अध्याय के 26वें श्लोक में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा है कि देवर्षि नाम च नारदः, अर्थात देवर्षियों में मैं नारद हूँ। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन नारद जी की पूजा आराधना करने से बल, बुद्धि और धैर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य करने को अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। आप इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उन्हें कपड़े और पैसे दान करें। आप जरूरतमंद वृद्ध, अपाहिजों और छोटी कन्याओं को अन्न और वस्त्र का दान कर सकते हैं। नारद जी सदैव लोक कल्याण के लिए कार्य करते आ रहे हैं, इसलिए इस दिन नेक कार्य करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। आप इस दिन 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप एवं 108 बार ओम विष्णु प्रियाय महालक्ष्मीयै नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार नारद जयंती के दिन रात्रि जागरण, लेकिन अगर रात्रि जागरण संभव ना हो तो संध्या काल पूजन अवश्य करें। इस दिन मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, किसी से भी अपशब्द नहीं कहने चाहिए, साथ ही किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। तो इस वीडियो में आपने जाना नारद जयंती का महत्व और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। अगर आप इस पर्व की पूजा विधि जानना चाहते हैं तो श्री मंदिर ऐप पर जाकर इससे संबंधित वीडियो अवश्य देखें। फिलहाल मैं लेती हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।